तो स्टेशनरी लवर्स भाई थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्लासमेट के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। तो भाई घबराने की बात नहीं है, क्लासमेट नहीं भाई, हम आज सेलो का ही कलेक्शन लेके आए हैं। और हमारे पास ना भाई सेलो का बहुत बड़ा कलेक्शन है। हमारे पास भाई लगभग 50 तरीके के सेलो बॉल पेंस जो इस वीडियो के अंदर रिव्यू होने वाले हैं। तो भाई हमने इनको बहुत ज्यादा मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं अदर अदर स्टीज से, क्योंकि इनमें काफी सारे ऐसे पेन भी हैं जो शायद ब्रांड ने डिसकंटिन्यू कर दिए। हम उनको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि शायद आप लोगों ने उनको पहले यूज किया होगा, तो आप बता सकते हो कि उसके बारे में वो पेन कैसा था कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई आज हम इनको रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखो हमारे पास ना कुछ जार पैकिंग भी है जिनमें हमारे पास बॉल एंड जेल पेन दोनों है। देखो हमारे पास गोल्ड पेन भी है जिसमें सोना लगा हुआ है, तो वो मैं बाद में निकाल लूंगा वीडियो के बाद, तो भाई उनको भी हम रिव्यू करने वाले हैं। देखो भाई हमारे पास ना 4-in-1 पेन भी है सेलो का, जो मैंने भाई पहली बार देखा है। और अगर आपको 4-in-1 पेन से लिखना पसंद है ना, तो भाई हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें काफी सारे ब्रांड के 4-in-1 पेन का ना हमने कंपैरिजन किया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट 4-in-1 पेन है। उसके बाद देखो हमारे पास कार्ड पैकिंग के अंदर भी जेल बॉल पेन है, एंड सबसे मेन हमारे पास भाई देखो रोलर बॉल पेन भी है, एंड हमारे पास इनकी पूरी बटरफ्लो सीरीज भी है जिसके अंदर बटरफ्लो में ना इनके काफी सारे तरीके के पेन आते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, रोलर बॉल पेन, तो वो सारा कुछ हम लेके आए हैं, इलाइट पेन। एंड देखो हमारे पास ना अगर आप सोच रहे हो कोई सेलो का प्रोडक्ट गिफ्ट वगैरह में देना, कोई गिफ्टिंग पेन सेलो का बेस्ट रहेगा नहीं, तो वो भी हम रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ना इसमें गिफ्टिंग पेन भी। लेकिन भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो हमारे पास ना भाई सिग्नेचर सीरीज भी आती है सेलो की, जिसके अंदर आपको काफी सारे पेन मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे होते हैं गिफ्ट के लिए, बट वो ना हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके ऊपर हम इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे क्योंकि भाई इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते थे, ये एक अलग सीरीज है एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती। उसके बाद देखो हमारे पास ना भाई इसके थोड़े गिफ्टिंग पेन आपको इसमें ही मिल जाएंगे जो थोड़े अलग अलग तरीके के। उसके बाद आपको इसके अंदर भाई एक यूनिक यूनिक पेन्स का कलेक्शन भी मिलने वाला है जो शायद आपने देखा नहीं होगा, आज देखने को आपको मिलेगा। देखो भाई ऐसे यूनिक यूनिक कलेक्शन के लिए ना भाई स्टेशनरी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके के कलेक्शंस के रिव्यूज अनबॉक्सिंग वगैरह मिलती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस स्टेशनरी दुनिया का हिस्सा जरूर बन जाना यार। 1995 में आई ये कंपनी भाई सेलो ब्रांड, इससे भी काफी ज्यादा इसके प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर आते हैं, और इसने काफी सारी मार्केट है एक्वायर की हुई है भाई भारत की। तो आप भी अगर इसके पेन्स के दीवाने हो तो भाई इसके लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार। सबसे पहले ना हम अपने इस जार पैकिंग के कलेक्शन के साथ रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर ना बॉल एंड जेल पेन दोनों हैं। देखो मुझे ये जार पैकिंग ना काफी ज्यादा पसंद है, एंड मैं आपको बता दूं हमारे पास ना बॉल एंड जेल पेन है इसके अंदर। देखो ये एक जार ना इसके अंदर आपको दो तरीके के पेन मिल जाएंगे, तो ये भी एक काफी अच्छी पैकिंग है। अगर आपको ये है कि फाइन ग्रब और ग्रीपर दोनों पसंद है ना, तो आप ये जार ले सकते हो। इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 225 रुपए, एंड इसके अंदर आपको 15 तो मिलेंगे फाइन ग्रिप पेन और 10 मिलेंगे ग्रीपर पेन। ओपन करके इसकी क्वालिटी टेस्ट करने से पहले ना प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो सेलो का ब्लिंग भाई ये मेरा वन ऑफ फेवरेट पेन है, 7 रुपए के अंदर आने वाला, लेकिन ये जार के अंदर आपको ना सिर्फ 25 रुपए का पड़ रहा है, मतलब 6 रुपए का 25 पेन आपको 150 रुपए के पड़ रहे हैं, और 0.7mm निब के साथ मिलने वाला है। उसके बाद देखो सेरो का एरोटेक 0.7, भाई सेरो की मुझे अभी तक ये चीज अच्छी लगी है कि इसने ना इन पेन्स के ऊपर अपनी निब साइज मेंशन किया हुआ है, तो काफी सारी ब्रांड ना ये चीज नहीं करती है तो पता नहीं चलता है। तो भाई 220 रुपए का पड़ने वाला है जार के अंदर, मतलब 11 रुपए का एक पेन, वैसे भाई 10 रुपए का पड़ जाता है, पर जार में पता नहीं क्यों महंगा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद देखो सेलो का बटरफ्लो सिंपली वाला, सिंपली और क्लासिक में क्या डिफरेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले देखो ये आपको 11 रुपए का पड़ने वाला है, 25 पेन पड़ने वाले हैं आपको 275 रुपए के, तो भाई ये भी काफी ज्यादा महंगा है। उसके बाद देखो सेलो की तरफ से आता है डेको जेल, भाई ये काफी लोगों का फेवरेट पेन है जेल पेन्स में, इसके अंदर निब साइज 0.6mm मिल जाएगा आपको। देखो 250 रुपए के अंदर आपको 25 पेन मिलने वाले, सिंपल सी बात है 10 रुपए का, भाई जार लेना थोड़ा अच्छा रहता है। एक तो देखो आपको ऑनलाइन इन्हें परचेज करोगे ना तो आपको ये सस्ते भी मिल जाएंगे, हम आपको इनके लिंक्स दे देंगे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि कौन सा पेन किस प्राइस पे है। और जार में इनको थोड़ा कैरी करना ना आसान होता है, और थोड़ा रखा भी भाई अच्छा लगता है, जैसे पोलोथिन वगैरह से तो बेस्ट ही पैकिंग है बहुत ज्यादा। देखो भाई ये है जेब पेस्टल 0.6mm निब के साथ है, और देखते हैं इसकी इनके वो हमें वाटर प्रूफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारा रिव्यू हो जाएगा तब आप जान जाओगे। तो 10 पेन पड़ने वाले भाई, 10 रुपए का एक पेन पड़ने वाला है, तो 25 पेन 250 के पड़ने वाले हैं, तो लगभग ना 10 और 11 रुपए के पेन है सारे के सारे। देखो भाई ये आता है बटरफ्लो क्लासिक जेल,
भाई क्लासिक में क्या होता है कि जो इसकी क्लिप है ना वो स्टेनलेस स्टील की होती है, क्लासिक के अंदर बॉल हो या जेल हो तो वो थोड़ा महंगा होता है, तो ये 20 रुपए का आपको पड़ने वाला है। वैसे जो बॉल वाला है वो 15 रुपए का पड़ता है, तो ये 400 रुपए का है भाई, ये थोड़ा ज्यादा बजट से बाहर हो गया है। 20 पेन खरीदने के लिए 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, पर चलो कोई बात नहीं, अगर आपको भाई क्वालिटी चाहिए तो देखो पैसा तो खर्च नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो ये 250 रुपए का पड़ने वाला है आपको सेलो का एक्वा जेल 0.6 mm निब के साइज के साथ। देखो भाई सेलो ब्रांड के सभी पेन की ना बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी होती है, बाकी और इनसे हम देखते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस हमें कैसा मिलता है। देखो जार्स में हमारे पास सबसे सस्ता ना भाई सेलो का ब्लिंग है, लॉन्ग टिप के अंदर हमें कुछ इस तरीके की बॉडी डिजाइन में मिलने वाला है, मल्टी कलर बॉडीज आपको इसके अंदर मिलेंगी, प्लास्टिक कैप आपको प्लास्टिक क्लिप में मिलने वाला है, और देखो इसकी जो टिप है वो काफी ज्यादा लेंथी है और काफी ज्यादा ना पतली आपको मिलने वाली है। ग्रिप सेक्शन है वो थोड़ा चिकना सा है सेम बॉडी बैरल जैसा, बाकी कलर काफी अच्छे प्यारे हैं। तो देखो इससे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं हेलो स्टेशनरी लवर्स। तो भाई देखो राइटिंग जो मुझे इससे मिली है ना वो स्टार्टिंग से ही ब्रेक फ्री मिली है, और जो हमने पेज यूज कर रहे हैं भाई 64 GSM का पेज यूज कर रहे हैं, और कहीं भी आपको कैसी भी इसके अंदर ब्रेक्स नजर नहीं आने वाली हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो इसकी इंक है वो स्मज फ्री मिलेगी, और जो राइटिंग है ना वो मीडियम मिलने वाली है, ना आपको ज्यादा बोल्ड ना ज्यादा थिक, तो इंक है वो भाई थोड़ी सी तो देखो स्मज हो चुकी है, तो इसने थोड़ा सा नाखुश किया है। थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में अगर हम देखें कि कैसी हमें मिलती है, इससे यार मैं सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल भी कहीं भी ब्रेक्स नहीं है, और राइटिंग भी ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, बस थोड़ी सी जो नाखुशी मिली है वो भाई इसके ग्रिप सेक्शन से मिली है, थोड़ा ना हाथ फिसल फिसल के नीचे की तरफ पहुंच जाता है, तो थोड़ा लॉन्ग राइटिंग जब हम करते हैं कंटिन्यू तो उस चीज के लिए मुझे इसका रिजल्ट ना बैड लगा। बाकी यार पेन की क्वालिटी अभी समय देखो, नेक्स्ट जार उठा लिया फाइन ग्रिप एंड ग्रीपर का, भाई ये दोनों ना मेरे काफी फेवरेट पेन है, ये दोनों ना काफी ज्यादा फाइन राइटिंग देते हैं, लेकिन आपको देखो मैं इनकी जो डिजाइन दिखाऊं ना वो आपको कुछ रबराइज्ड ग्रिप के साथ ना पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलने वाली है, और जो इसकी शेप है भाई वो हेक्सागोनल है जो हमारा ये, लेकिन ये आपको राउंड शेप में मिलने वाला है फाइन ग्रिप। और देखो इसके अंदर जो ग्रिप है ना उसके अंदर भी ग्रूव्स दिख जाएंगे जिससे आपका हाथ फिसलने वाला नहीं है, एंड सेम इसके अंदर भी आपको बिल डिजाइन मिलेगी, तो देखते हैं कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। देखो इन पे निब साइज तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप निब देखें, देखो जो फाइन ग्रीपर की निब है ना वो काफी ज्यादा मोटी है, एंड जो फाइन ग्रिप की निब है वो काफी ज्यादा पतली है, साइज तो लगभग दोनों का सेम ही है जो लेंथ है। अभी राइटिंग देखते हैं कि हमें कैसी मिलती है, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हुए ना इसका नाम लिख देता हूँ फाइन ग्रिप, तो भाई राइटिंग ना आपको काफी ज्यादा, जिनको फाइन राइटिंग पसंद है तो भाई उनके लिए ना बेस्ट ऑप्शन है फाइन ग्रिप। तो अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जो ज्यादा स्मूथनेस मिली थी भाई वो क्योंकि जितना डार्क चलता है ना उतनी स्मूथनेस बढ़ जाती है, तो स्मूथनेस मुझे ना ब्लिंक के साथ ज्यादा मिली थी, तो फाइन ग्रिप सेलो में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड थोड़ा इसका स्मज टेस्ट भी करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा, देखो भाई बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी स्मज नहीं होने वाला है, तो स्मज का डर तो आप इससे निकाल दो कि आपको ये पेन स्मज देखने को मिलेगा। तो थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में देखते हैं कि क्या इंक है वो डार्क होती है टाइम के साथ। देखो भाई फाइन ग्रिप ना सच में यार काफी अच्छी राइटिंग आपको देने वाला है, काफी स्मूथ रन कर रहा है, ब्रेक फ्री राइटिंग मिली है, एंड ना भी भाई डार्क तो होने वाला है लास्ट तक, तो वो चीज छोड़ दो आप, जैसा स्टार्टिंग से चल रहा है ना वैसा ही चलना है लास्ट तक। तो भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आया उसके साथ तो लिखने में, अभी देखते हैं कि ग्रीपर के साथ कैसा मजा आता है। तो इससे भी मैं लिख देता हूँ पहले तो इसके ब्रांड का नाम, तो भाई ग्रीपर यार जिन लोगों ने इससे लिखा है ना वही इसका फील समझ सकते हैं भाई, सच में यार काफी अच्छा पेन और काफी ज्यादा पॉपुलर है। 1995 में आई भाई ये सेलो कंपनी ना इन्हीं कुछ पेन्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और भाई इनमें सच में ही क्वालिटी है। तो देखते हैं इसकी इंक है वो समझ फ्री मिलेगी, तो देखो इंक तो हल्की सी समझ हो गई है फाइन ग्रिप के कंपेयर, बाकी इतना कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई इससे ना मेरा थोड़ा हाथ ज्यादा फिसल रहा है क्योंकि जो इसकी ग्रिप है ना रबर है वो थोड़ी चिकनी सी है, तो यार उससे थोड़ा हाथ ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा लॉन्ग राइटिंग में देखूं कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो भाई दोनों के अंदर ना बस 19-20 का डिफरेंट है, बाकी प्राइस में तो आपको पता है कि फाइन ग्रिप सस्ता पड़ता है 7 रुपए का, लेकिन भाई ग्रीपर अभी 10 रुपए का हो चुका है, लेकिन देखो राइटिंग तो आपको ना बिल्कुल ब्रेक फ्री मिलने वाली है, और जो काफी ज्यादा फाइन राइटिंग मिल रही है, स्मूथ राइटिंग है यार, बेस्ट पेन लगे हैं मुझे दोनों। देखो नेक्स्ट एरोटेक लिया है 0.7 mm निब के साथ बॉल पेन है एक, एंड ये भी काफी अच्छा पेन है सेलो का, लेकिन आपको ये ना पूरा का पूरा ब्लैक कलर के अंदर मिलने वाला है, लेकिन क्लिप से आपको पता चलता है कि ब्लू कलर है, अगर क्लिप भी ब्लैक कलर हो तो समझ लेना कि ब्लैक पेन है भाई। जो इसकी बॉडी है ना वो काफी ज्यादा मोटी सी है फाइन ग्रिप वगैरह नॉर्मल पेन के कंपेयर, देखो जो ब्लिंग की बॉडी थी वो काफी ज्यादा भाई स्लिम थी इसके कंपेयर तो, एंड देखो जो इसके ग्रिप सेक्शन है वो आपको रबराइज्ड ग्रूव्स में मिलने वाला है, और जो इसकी निब है वो 0.7 mm में थिक साइज की आपको मिलने वाली है। देखो सेलो के मैक्सिमम पेन्स की ना रिफिल भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आप
आपका पेन खत्म हो जाएगा। तो आपको ये है कि आपको अगर पसंद है तो भाई उसकी रिफिल भी मिल ही जाती है सेलर के पास ना, शॉपकीपर के पास। तो भाई देखो सेलो एरो टैग से ना राइटिंग एक्सपीरियंस तो मुझे अभी तक उतना स्मूथ नहीं लगा है जितना अभी मैंने ब्लिंक से और उनसे लिखा था फाइन ग्रिप से। तो भाई इसकी इंक है वो देखते हैं कि स्मज फ्री मिलेगी। तो भाई देखो इंक हल्की सी स्मज हुई है, उतनी कुछ ज़्यादा तो नहीं हुई है, ये कि इससे तो कोई डरने वाली बात है नहीं। बाकी थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई एरोटेक पॉइंट 7 के साथ ना भाई राइटिंग एक्सपीरियंस ने काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा है एंड ब्रेक फ्री राइटिंग भी दी है। एंड देखो इस समझ की भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई दिक्कत पता है कहाँ है, जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा सा है। अगर आप जैसे एग्जाम वगैरह लॉन्ग राइटिंग करोगे ना तो भाई वहाँ आपका हाथ दुखने वाला है, क्योंकि मैंने लिखा तो मुझे फील हुआ। बाकी जैसे स्लिम पेन है ना तो भाई ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं एग्जाम राइटिंग वगैरह के लिए, क्योंकि कैरी करना ना आसान होता है तो ज्यादा देर तक लिख पाते हैं हम लोग। देखो अब नेक्स्ट ले लिया है बटरफ्लो। भाई बटरफ्लो की ना काफी ज्यादा शिकायत आती है कि पहले वाला ना मजा नहीं रहा, तो अब देखते हैं कि वो सच्ची बात है या सिर्फ अभी लोगों को धोखा है। तो भाई देखो जो पेन है ना, पेन तो यार सेलो का देखो वैसे बेस्ट ही होते हैं, लेकिन देखो इंडियाज नंबर वन पेन ब्रांड इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये सेम हमें नटराज पे भी देखने को मिला था। तो भाई सब तो नंबर वन नहीं हो सकते हैं, पर चलो कोई नहीं, अब ये लिख रहे हैं तो उनकी प्रिंटिंग मशीन है। तो उसके बाद देखो जो पेन की क्वालिटी है ना भाई, मुझे तो मेटलिक के अंदर ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्लासिक के अंदर, क्योंकि उसको ना होल्ड करना आसान होता है, क्योंकि ये तो ये कि आप स्कूल में बैठे बैठे इसको तोड़ देते हो। भाई जो इसकी ग्रिप है ना वो भी रबराइज्ड आपको थोड़ी रफली सी मिलेगी, तो देखते हैं कि इसके साथ ग्रिप सेक्शन कैसा बनेगा। बाकी इसकी रिफिल भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है और आप अपनी इंक विंडो वगैरह से इंक मेजर कर सकते हो। तो राइटिंग एक्सपीरियंस में हम देखते हैं, बटरफ्लो से लिख देता हूँ मैं सेलो बटरफ्लो। नहीं भाई यार मुझे तो देखो काफ़ी अच्छा फ्लो लग रहा है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जो राइटिंग है ना भाई वो मुझे सेलो ब्लिंक के तरीके की लग रही है, मतलब बोल्ड राइटिंग मिली है। यहाँ पे देखो कितनी लाइट राइटिंग थी, फाइन राइटिंग थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड राइटिंग है। तो इंक है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसकी समझ देखने को मिलेगी। तो भाई देखो इंक तो इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ हो गई, और देखो जो इसकी निब है ना वो भी यार इंक सी ब्लीड कर रही है यहाँ पे आके लग रही है, तो ज़्यादा मतलब इंक से उसके अंदर से फ्लो हो रही है। थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में देखते हैं कि अगर इससे भी डार्क हो जाएगा तो भाई क्वालिटी बेकार हो चुकी है सच में। देखो भाई बटरफ्लो के साथ ना भाई राइटिंग एक्सपीरियंस तो यार उतना मजा नहीं आया, स्मूथ चलता है पेन, लेकिन भाई जो पेन की निब है ना वो देखो इंक सी ना ब्लीड करने लगी। देखो यहाँ पे कितने कितने डॉट से बन जाते हैं, जैसे मैं वर्ड को स्टार्ट करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में उतना कुछ नहीं था। तो भाई ये चीज़ है, ये ना इंक सी ब्लीड कर रही है इसकी निब ना, तो भाई वो चीज़ मुझे ऐसे लग रही है कि बेस्ट खत्म कर दिया इसके अंदर से। देखो आपको इसके ना पीछे भी नजर आ जाएगा, जैसे रोलर बॉल पेन या फाउंटेन पेन की इंक्स होती है ना, तो भाई उस चीज़ की तरह ये शिकायत अगर बॉल पेन में देखने को मिलेगी तो भाई मजा नहीं आने वाला इस पेन में। अब देखो भाई बॉल पेन हो चुके हैं सारे खत्म, चार वाले जो हमारे पास थे। अभी हमने ले लिए जेल पेन, और जेल पेन सबसे पहले लिया है हमने जेब पेस्टल। तो भाई जेब पेस्टल ना आपको 10 रुपये के हिसाब से भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी तो थोड़ी मुझे हल्की लग रही है, क्योंकि यार ये थोड़ा लुक जो पेन दे रहा है ना वो 7 रुपये वालों के हिसाब से दे रहा है, क्योंकि क्लिप भी ऐसी है छोटी सी। क्वालिटी देखते हैं कि वहाँ पे हमारे 10 रुपये पैसे वसूल होंगे। तो देखो जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना वो बॉडी के अंदर ही कट मिलेंगे, लेकिन जो इसका सरफेस है ना वो थोड़ा रफली होने की वजह से तो मुझे लग रहा है कि इस पर हाथ रुक जाएगा अच्छे से। देखो इनकी स्किन अभी से यहाँ से ब्लीड कर रही है, एंड देखो जो इसकी रिफिल है ना वो पूरी ना बंद है, तो उसके अंदर आपको इंक तो नजर नहीं आने वाली है। तो देखो इसके साथ ना राइटिंग एक्सपीरियंस देखें, निब साइज आपको पता है 0.6 mm मिलने वाला है। तो भाई देखो पेन तो स्टार्टिंग से ही ब्रेक फ्री चला है, कोई भी कैसी वो नहीं है, सरफेस भी मुझे ऐसे लगा कि इसके अंदर पेपर पे अच्छे से रन कर पाया, तो मैं इसे लिख दूँ 0.6 mm जेब। तो भाई जेब की स्पेलिंग इन्होंने इस तरीके से लिखी हुई है पेस्टल्स। तो भाई पेन तो आपको बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्मज फ्री और हो जाए तो शायद मेरा दिल इस पे और आए। तो भाई देखो कितना ज़्यादा स्मज हो गया है यार, यहाँ तो दिल तोड़ दिया सेलो वालों ने, इंडियाज नंबर वन ब्रांड लिख रखा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में देखता हूँ कैसी परफॉर्मेंस देगा। भाई नहीं आया मजा, क्योंकि भाई जितना अच्छा पेन होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग और अच्छी हो रही है, और जितना पेन बेकार सा होता है ना उतनी राइटिंग डल सी होती चली जाती है। देखो मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी तारीफ सी क्या करती भाई, जैसे मैं इसको लिखने गया ना तो भाई ये चला ही नहीं, फिर तोड़ते झटके से मारने के बाद चला तो देखो कितनी ज़्यादा डार्क इंक देने लगा, तो यार क्वालिटी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसमें तो इतना मजा आया नहीं मुझे। देखो भाई नेक्स्ट डेको जेल ले लिया है, निब साइज सेम मिलने वाला है, तो देखते हैं क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है या भाई डिसइंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखो आपको ये कुछ इस तरीके की बॉडी कलर के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको कैप वाइट देखने को मिलेगा, क्लिप आपको बॉडी जैसी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई जो ब्लैक पेन दिख रहा है ना ये बॉडी में ये भी ब्लू चलने वाला है। तो भाई सारे डार्क कलर के आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी, तो इससे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो भाई हम इससे लिख देते हैं सेलो। भाई इसके कंपेयर तो यार मुझे ठीक ही लगा है, मतलब उतना नहीं कहूँगा मैं कि उतना अच्छा रहा है, लेकिन भाई इसके अच्छा इससे तो अच्छा रहा है सेलो डेको।
जेल। तो भाई इंक देखते हैं क्विक ड्राई है या नहीं है, कि स्मज फ्री इंक दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो भाई देखो कितनी ज्यादा समझ हो गई यार, ऐसे होगा तो बस जेल पेन से लिख लिया हम लोगों ने, पर चलो कोई बात नहीं, लॉन्ग राइटिंग में देखते हैं कि कितना टिक जाएगा। देखो भाई जो बॉडी कट के अंदर इसका ग्रिप सेक्शन बना रखा है ना, वो तो अच्छा है, होल्ड तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई जो राइटिंग है ना वो रुक रुक के पेन इंक उठा रहा है, तो भाई उतना अच्छा मुझे नहीं लगा ये सेलो का डेकोजेल। मैं तो यार इसे काफी अच्छा पेन समझता था, लेकिन भाई मैंने ना बहुत सारे पेन्स का रिव्यू किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ब्रांड टू ब्रांड जेल बॉल, तो बहुत सारे कंपेयर किए हैं, तो भाई उस हिसाब से मेरे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। आप लोगों को पसंद है तो भाई जरूर बताना कमेंट बॉक्स में ना। देखो नेक्स्ट एक्वा जेल ले लिया है भाई, 0.6 mm निब के साथ है, एंड ये पेन तो भाई दिखने के हिसाब से लग रहा है कि हाँ 10 रुपये का पेन होगा, क्योंकि जो जेब पेस्टल था ना वो भाई 7 रुपये किसी लुक दे रहा था और चला भी कुछ ऐसा नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पैसे वसूल हुए। तो भाई देखो ये भी आपको कुछ इस तरीके के मल्टी कलर बॉडीज के अंदर मिलने वाला है, और जो पेन का डिज़ाइन है ना वो यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप देखो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और देखो जो ग्रिप सेक्शन है वो भी इसका प्लास्टिक ग्रूव्स के अंदर मिल जाएगा। देखो भाई निब भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और पेन्स के कंपेयर, तो देखते हैं स्मज फ्री राइटिंग इसके अंदर है या नहीं है वो भी। तो निब साइज सब पे मेंशन कर रहे हैं ना, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है सेलो एक्वा। तो भाई देखो स्टार्टिंग में तो इसने ना काफ़ी सारे ब्रेक्स ले लिया है, जिससे आप समझ सकते हो कि पेन की क्वालिटी कहाँ तक जाने वाली है। उसके बाद देखे ब्रेक तो खत्म हो गई, तो भाई इंक स्मज फ्री तो नहीं मिलने वाली है भाई, ना इन्होंने लिखा है कि हम क्विक ड्राई इंक दे रहे हैं और ना ये लोग दे रहे हैं। हाँ ये जरूर लिखा है इन्होंने डार्क वाटर प्रूफ इंक है, तो भाई वो तो पानी अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी डार्क वाटर प्रूफ इंक है। तो भाई से थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में मैं देखूँ कि मुझे लग रहा है कि पेन आपको लेना चाहिए। देखो फास्ट राइटिंग करो या स्लो राइटिंग करो, भाई पेन तो काफ़ी अच्छा है चलने में, लेकिन भाई जो इंक है ना वो स्मज फ्री नहीं मिलने वाली है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे पेन के अंदर ना। अगर आपको ये कि आप हाथ लगने से बचा सकते हो तो भाई आप ले सकते हो एक्वा जेल जाके, अगर आपको स्मज होने का डर है तो भाई मत लेना। देखो भाई अब थोड़ी जेब की पट्टियाँ बांध लो, क्योंकि अब आपके जेब से ना 20 रुपये जाने वाले हैं, और जो इसके अंदर टिप मिलने वाली है वो स्प्रिंग टिप मिलने वाली है, क्योंकि ये बटरफ्लो का क्लासिक जेल है। तो भाई देखते हैं कैसी राइटिंग एक्सपीरियंस हमें देता है। तो भाई देखो पेन ना सिंपली के कंपेयर तो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि देखो जो इसका लाइट सा कलर है थोड़ा ना चीप सा लग रहा है, लेकिन भाई ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा भा रहा है दिल को, तो मुझे मज़ा आ रहा है इस पेन को ना देखने में। और देखो जो इसकी क्लिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेटलिक हैवी क्लिप मिलने वाली है, तो भाई 20 रुपये के हिसाब से बॉडी डिज़ाइन तो ठीक ही लग रही है, राइटिंग देखे, लेकिन उससे पहले आप अपनी इंक वगैरह कहीं से नहीं मेजर कर सकते हो, आपको खोल के देखना पड़ेगा, हल्की सी यहाँ पे आपको दिख जाएगी किससे ऊपर है नीचे है। देखो उस पर निब साइज तो मेंशन नहीं किया हुआ, बाकी चलाकर देखते हैं कि कैसा चलने वाला है। तो भाई सच में यार अब तक के जो जेल पेन से लिखा है ना भाई, उनसे सबसे अच्छा मुझे इससे राइटिंग में मजा आया है लिखने में। भाई थोड़े पैसे भी तो ज्यादा हैं, हम वो चीज भी तो देखेंगे, तो उनसे कंपेयर करना उतना भी सही नहीं है। बाकी ये कि अगर आपको 20 रुपये तक पेन लेना है अच्छा, तो भाई बटरफ्लो आप ले सकते हो जाके थोड़ी राइटिंग, और देखते हैं कि इसकी स्मज फ्री मिल जाए तो थोड़ा और हम हक से बोल पाएंगे कि हाँ बेस्ट पेन है। तो भाई इंक तो भाई इनकी स्मज ही होने वाली है सेलो की, इंडियाज नंबर वन ब्रांड तो इन्होंने बड़े गर्व के साथ लिखा, लेकिन भाई नंबर वन है तो भाई थोड़ा स्मज पे भी ध्यान देना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लॉन्ग राइटिंग में देखता हूँ कि वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। देखो भाई इसकी ना जो रबर है वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी सी है, इसका सरफेस यार थोड़ा इनको रफली सा देना चाहिए, जिससे हाथ रुके, हाथ की उंगली है ना वो थोड़ा नीचे चली जाती है बार बार। बाकी ये है कि राइटिंग तो आपको ब्रेक फ्री और स्मूथ मिलने वाली है इसकी निब के साथ ना, तो वो चीज़ देख के तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो, बाकी आपको ये तो पता ही है कि इमेज तो होने वाली है। देखो नेक्स्ट हमने ले लिए भाई सेलो की तरफ से आने वाले ना थोड़े गिफ्टिंग टाइप में पेन। देखो इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया आपको सिग्नेचर सीरीज नहीं है, उस पर आपको इंडिविजुअल वीडियो मिलने वाला है। तो देखो सेलो का ना ये सेफियर है, और ये आपको 45 रुपये का मिलने वाला है, जो कि एक बॉल पेन है। उसके बाद देखो इसको हम साथ ही साथ ना अनबॉक्स करते हुए चलते हैं, तो उसमें पता चलता रहेगा प्राइस के हिसाब से कि हमें कैसा पेन दिखता है। उसके बाद देखो ये आपको ना कुछ ग्रीन कलर की बॉडी में मिलने वाला है, और मेटलिक क्लिप में आपको मेटलिक रेट्रेक्टिवल मिलने वाली हो। एंड देखो जो रेट्रेक्टिवल है जो इसके मैकेनिज्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको दबाने में। और देखो जो इसकी ग्रिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा रफली रबराइज्ड है, तो इससे भी मुझे लग रहा है कि राइटिंग एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा। लेकिन भाई 45 रुपये के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि पेन ना दिखने में उतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि 20-30 रुपये में भी आ जाता है इस तरीके का पेन ना लिंक वगैरह का। देखो उसके बाद भाई सेलो का ब्रोंजा है जो सोने से बना हुआ पेन है भाई, तो 100 रुपये का आपको पढ़ने वाला है, तो प्राइस तो यार 100 रुपये थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से देखते हैं पेन दिखने में और बिल्ड क्वालिटी में है या नहीं है। तो भाई पेन तो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा
हैवी है, उठाने से ही पता चल रहा है कि हाँ हैवी सा पेन पकड़ रखा है, क्योंकि ना थोड़े जो अच्छे पेन होते हैं ना वो वजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो ये काफ़ी अच्छी आपको रिट्रैक्टेबल के साथ मिलेगा, जिसकी मैकेनिज्म काफ़ी अच्छी और हैवी है, और देखो जिसके अंदर आपको क्लिप भी ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के मिलने वाली है, और देखो पूरी बॉडी आपको यहाँ पे ना बॉडी कट्स के अंदर मिलेगी जो रफली सी है, जो दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है यार। तो यार किसी को गिफ्ट करोगे ना तो उसको अच्छा लगने वाला है पेन सच में, क्योंकि कलर वगैरह की वजह से और डिज़ाइन की वजह से। मैं थोड़ा ओपन करके आपको दिखाऊँ तो आपको देखो कुछ रिफिल ना इस तरीके की मिलने वाली है छोटी सी, और जिस पे इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है, और ये आपको पता है एक बॉल पेन है, तो चलने में देखते हैं कि कैसी हमें स्मूथनेस देता है, और बाकी दिखने में तो है यार अच्छा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सेलो का एवोक। भाई इवोक दिखने में तो मुझे प्यारा लग रहा है ब्लैक कलर का, लेकिन ये 50 रुपये का है, थोड़ी पैकिंग पुरानी है 2019 की, लेकिन उतनी भी पुरानी नहीं है, क्योंकि हमने इससे भी ज़्यादा पुराने पुराने पेन चलते हुए देखे हैं और ब्रांड्स के, तो यही पता चलता है कि कौन कैसे इंक देता है, कितने टाइम के अंदर सूख लेती है। ओ यार वाओ, प्राइस तो भाई 50 रुपये के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा पेन है, क्योंकि एक यूनिक सी लुक के अंदर है। देखो जो इसकी क्लिप है ना वो मेटलिक क्लिप है, एंड उसके अंदर भी एक कर्व सा है, और देखो कितने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, एंड जो इसका मैकेनिज्म है ना, क्योंकि देखो थोड़े महंगे पेन ना आपको भाई रिट्रैक्टेबली देखने को मिलेंगे या रोटेट होकर घूमने वाले मिलेंगे, कैप वगैरह में उतने नहीं आते हैं, तो भाई इसका ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और देखो जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना भाई, वो ट्राइंगुलर मिलने वाला है, अगर आप देखो बॉडी इसके अंदर फील कर पा रहे हो तो समझ पा रहे हो, तो ट्राइंगुलर शेप में मिलने वाला है, जिसके अंदर ना ग्रिप काफ़ी अच्छी बनने वाली है, लेकिन भाई जो इसकी निब है ना वो काफ़ी कम सी बाहर आ रही है, बहुत छोटी सी है, तो इससे देखते हैं, क्योंकि ये ना भाई लॉन्ग राइटिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ये तो आप बस ये ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हो, कोई साइन वगैरह कर दिए, कोई हेडलाइन वगैरह डाल दी, तो उस पर्पज़ से यूज़ होते हैं, तो इनसे बस सोचना कि आप एग्ज़ाम लिख दोगे। उसके बाद देखो यूनिक भाई एक मेटल पेन है सिलेक्ट का, और जिसका प्राइस आपको 75 रुपये पड़ने वाला है, तो एक फ्रेश पैकिंग ही है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो इस तरीके की ना बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, अगर आप किसी को गिफ्ट करोगे 75 रुपीज़ के हिसाब से तो उसको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो भाई देखो इसकी जो क्लिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और जो इसका मैकेनिज्म है ना वो भाई थोड़ा सा देखो रुक रहा है, मतलब स्प्रिंग क्वालिटी में ना कहीं दिक्कत है, आप देखो समझो यहाँ पे हल्का सा रुक जाता है फिर उसके बाद जाता है, तो ये थोड़ा ना रुक रहा है, तो उस वजह से मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत लगी है। बाकी जो इसका ग्रिप सेक्शन है उसके अंदर बॉडी कट्स मिलेंगे, लेकिन जो इसका सरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा मेटे है, जिसकी वजह से पेन यार बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और जो निब है ना वो भी देखो काफ़ी लेंथी सी और पतली सी है। उसके बाद देखो गिफ्टिंग के तौर पे ना आप ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, या आप कोई भी लॉन्ग राइटिंग करता है या कुछ भी लिखता है तो आप उसको दे सकते हो ये पेन, क्योंकि ये आपको ना एक बटरफ्लो की तरफ से आने वाला ब्लू एंड रेड, तो ये आप अपने टीचर वगैरह को भी दे सकते हो टीचर्स डे पे, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी पैकिंग। तो भाई ये 30 रुपये का पड़ता है, लेकिन भाई पैकिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है 2015 की, क्योंकि भाई ऑनलाइन वगैरह ये अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑफलाइन ही भाई अपने नियर बाय सिटीज से इनको ढूंढ के ना सर्च करके लेके आया हूँ, तो भाई देखो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेटलिक क्लिप है और पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो देखते हैं कि ये चल पाएगा, बाकी गिफ्ट के लिए अच्छा है। उसके बाद देखो सेलो का एडोरा। भाई ये एडोरा ना दिखने में और उसमें पैकिंग में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और 60 रुपये का है, पैकिंग तो नहीं है, इसके अंदर आपको एक जेल एंड बॉल पेन दोनों मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कि वो कैसे हैं। तो भाई देखो जो आपको जेल पेन मिलने वाला है ना वो तो मिलने वाला है आपको कैप के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा हैवी सा है, क्योंकि भाई प्राइस भी हैवी चार्ज कर रहे हैं। निब साइज आपको दिख जाएगा, सेलो का जीनियस रबराइज ग्रिप मिल जाएगी चिकनी सी, तो भाई ये तो देखते हैं राइटिंग कैसी देता है, लेकिन उससे पहले एक और जो इसके अंदर पेन है वो दिखा दूँ। तो भाई ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम सा मिलने वाला है, और इसके अंदर जो बॉडी कट्स है ना वो बॉडी कट्स होने के साथ साथ इसमें प्लास्टिक भी डाल रखी है, तो उससे थोड़ा हाथ है वो ऊपर उठ रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा पेन को पकड़ने में ना। बाकी मैं आपको इसके अंदर रिफिल दिखाऊं कैसी मिलने वाली है, तो इसके अंदर आपको सिंपल रिफिल मिलने वाली है, लेकिन भाई रिफिल में देखो कितनी छोटी सी यार, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही दे देते, क्योंकि हम पैसा भी ना 60 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को लेके तो यार थोड़ा सोचो। बाकी देखो वैसे तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी मैकेनिज्म तो यार ठीक ठाक मैं कहूँगा, कुछ ऐसा तो है नहीं। उसके बाद देखो ये पैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी, एक देखो बॉक्स सा बना रखा है साइड में, पेन कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई प्राइस भी देखो 100 रुपये तैयार कर लो, क्योंकि 100 रुपये का आने वाला है, तो फ्रेश पैकिंग है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा दूँ किस तरीके का दिखता है पेन ना असली में। तो ये लो, ओ भाई सच में जो उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन किया है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर एंड ब्लैक ये आपको प्लास्टिक क्लिप मिलने वाली है, जो इसको पेन को काफ़ी सुंदर लुक दे रही है। ओ भाई सच में कितना सॉफ्ट इसका मैकेनिज्म है, तो बढ़िया क्वालिटी का स्प्रिंग यूज़ हुआ है इसके अंदर। थोड़ी रिफिल भी मैं आपको दिखाऊँ कि रिफिल कैसी इसके अंदर यूज़ की है, तो भाई देखो रिफिल भी इसके अंदर है, रिफिल काफ़ी ज़्यादा छोटी नहीं यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि और ब्रांड्स के हमने ओपन किए तो यार थोड़ी सी तो रिफिल अच्छी पाती है, जो रिफिल इतनी सी है तो इंक कितनी होगी, तो बस इससे भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि 10-20 साइन किए आप लोगों ने उसमें पेन खत्म,
तो रिफिल यार थोड़ा इस पे थोड़ा इनको काम करने की जरूरत है, बाकी राइटिंग देख लेंगे कि 100 रुपए के अकॉर्डिंग कैसी है इस पेन में। तो एक और रह गया हमारे पास भाई गिफ्टिंग के अंदर ना, ये भी मुझे काफी अच्छी पैकिंग लगी है, बटरफ्लो की बटरफ्लो एंड बटर जेल, मतलब इसके अंदर बॉल एंड जेल दोनों पेन का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है 25 रुपए के अंदर। थोड़ी पुरानी पैकिंग है लेकिन पुरानी पैकिंग होने से ये भी हमें पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है, उस टाइम से अब तक पेन सूखा है नहीं सूखा है। तो उसके बाद देखो ये आपको यार पेन तो दिखने में काफ़ी अच्छा है, बटर जेल जिन लोगों ने यूज़ किया है ना यार ये सच में बटर की तरह स्मूथली पेपर पे रन कर रहा था उस टाइम पे, तो भाई क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पेन्स में था क्योंकि इतने मार्केट में यार कंपटीशन नहीं आए थे, लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि कितना कंपटीशन आ चुका है, कितने सारी ब्रांड्स ने कितने तरीके के पेन निकाल दिए और अच्छी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो भाई अब वो उतना नहीं रहा है कि लोग कहें कि हाँ भाई ये देखो। सबसे पहले इनको टेस्ट करते हैं भाई बटरफ्लो के बॉल एंड जेल पेन को, तो सबसे पहले मैं इससे लिख लेता हूँ। तो भाई देखो इतना पुराना पेन होने के बाद भी ना जो इसकी इंक है वो तो भाई सूखी नहीं है, थोड़ी सी एक ही ब्रेक्स ले रही है, टाइम लेगी भाई निब ना इंक को उठाने में, और देखो काफ़ी 6 साल लगभग हो चुके हैं। एंड जेल से देखता हूँ कि जेल भी चल पाएगा क्योंकि जेल जल्दी सूख जाते हैं, तो भाई देखो जेल चलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन भाई चल नहीं पा रहा है। हाँ थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अगर आपको जेल पेन्स वगैरह चलाने हैं तो आप किस तरीके से चला सकते हो, आपको सूखे हुए पेन के साथ क्या करना है कि आपको उसकी रिफिल निकालनी है, रिफिल निकालने के बाद आपको क्या करना है उसको ना गर्म पानी के अंदर डाल देना है और कम से कम 15-20 मिनट तक उसके अंदर ही पड़े रहने देना है, और फिर उसको ना थोड़े से झटके से मार के ना चला देना है तो वो चलने लग जाएगा। तो भाई आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। तो देखो सक्सेस को चला के देखते हैं थोड़ा सा इसको कितनी सक्सेस मिलती है। तो भाई देखो ये पेन ना लॉन्ग राइटिंग के लिए तो है नहीं, तो हमसे इससे थोड़ी सी स्पीड राइटिंग देखने वाले हैं, तो यार काफी अच्छा चला बिना ब्रेक्स लिए हुए। आपको पता है कि इसके अंदर रिफिल तो कितनी सी है तो कितना ही चलने वाला है। तो भाई इसका पूरा नाम है सक्सेस मेटल पेन, और भाई पेन ना काफी ज्यादा हैवी है यार, सच में लिखने में ना थोड़ी रॉयल वाली फीलिंग यार ये सच में दे रहा है, तो काफी स्मूथ है चलने में, अगर आप किसी को गिफ्ट करोगे तो भाई पसंद आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ और दे दो। देखो भाई इवोक ना 50 रुपए के हिसाब से तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहा है यार, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया पेन, कोई मुझे गिफ्ट करेगा तो मुझे भी यार पसंद आएगा। तो इससे राइटिंग देखो भाई, ओ यार सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना स्मूथ चलेगा, क्योंकि भाई जो पेन है ना वो 2019 का है और 2024 चला हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी टाइम पुराना है, तो भाई ऐसे चल रहा है पेज पे जैसे आज ही बन के आया हो। तो भाई स्टेशनरी वर्ल्ड में इससे लिख देता हूँ क्योंकि हम फुल फास्ट लिख रहे हैं जितना तेज मैं हाथ चला सकता हूँ। तो देखो आपको काफी ज्यादा ब्रेक फायर राइटिंग देने वाला है भाई, मजा आ गया इससे लिखने में, ये भी गिफ्ट के लिए बेस्ट पेन है। देखो ब्रॉन्जा लिया है भाई ये पेन ना, सच में दिखने में काफी ज्यादा प्यारा है, और ये पेन्स ना जो गिफ्ट करने हैं आपको दिखने में ही प्यारे होने चाहिए, क्योंकि राइटिंग में तो यार आपको पता है कि अच्छी राइटिंग देने ही वाले हैं, और इनसे कोई इतनी लंबी राइटिंग तो करता नहीं है। ले मैं इसको चला के तो देख ही लेता हूँ सेलो ब्रॉन्जा, तो भाई वो स्मूथनेस नहीं है यार जो मुझे इवोक के साथ मिली थी ना, सच में यार पेज पे जो फ्लो मिल रहा था ना उसका, वो इसके साथ नहीं है। तो भाई इससे भी मैं थोड़ी फास्ट राइटिंग देखूं कि ये भी उतनी फास्ट में बिना ब्रेक लिए देगा राइटिंग, तो भाई वो फ्लो तो नहीं मिल पाया यार जो इवोक के साथ मिला ना, आपको भी राइटिंग में नजर आ रहा होगा फर्क। तो आपको अगर इवोक मिले तो भाई इवोक गिफ्ट करना, पैसे भी बचेंगे और क्वालिटी भी अच्छी है और दिखने में भी ज्यादा, इससे मुझे तो अच्छा ही लगा यार वो। देखो भाई यूनिक ले लिया है, अगर किसी को आपको सिल्वर कलर में गिफ्ट करना है ना पेन, तो भाई ये पेन मुझे काफी अच्छा लग रहा है दिखने में तो, और देखो जो इसकी बॉडी है वो भी काफी ज्यादा प्यारी और मैटे सी है और काफी ज्यादा वजनदार है, तो वो अच्छी लग रही है देखने में ना। इससे देखते हैं राइटिंग में मुझे उतना मजा आता है यूनिक, तो भाई राइटिंग तो ये थोड़ी ना ब्रोजा की तरीके की दे रहा है, मतलब ब्रोजा से तो मैं इसे थोड़ा अच्छा ही कहूंगा, इवोक के बराबर नहीं कह सकते यार, मुझे इवोक तो काफी अच्छा पसंद आया था। तो भाई इससे थोड़ी फास्ट राइटिंग देखूंगी क्योंकि लोग है ना वो काफी ज्यादा तेज लिखते हैं, तो ये ब्रेक फ्री राइटिंग देगा, तो भाई देखो राइटिंग तो आपको ब्रेक फ्री देने वाला है। तो और देखो बिल्कुल लॉन्ग राइटिंग लिखो या आप बड़े राइट वर्ड्स लिखो तो कहीं भी कैसी भी कोई भी ब्रेक नहीं है, तो भाई अच्छा ही लगा यार ये, आप कर सकते हो गिफ्ट और ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपए में भी आपके 25 रुपए बचे जाने हैं। देखो भाई 60 रुपए के अंदर ना ये कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ना बॉल एंड जेल पेन दोनों दे सकते हो, एंड देखते हैं कि चलने में कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़े पेन वैसे हैं यार लॉन्ग राइटिंग वगैरह के लिए, आपको किसी को दे रहे हो तो स्टूडेंट वगैरह को या किसी भी पर्सन को, तो ये राइटिंग के पर्पस से आने वाले हैं, साइन वगैरह के मतलब के पेन नहीं है। तो भाई मैं इससे लिख देता हूँ सेलो एडोरा, तो भाई ये पेन तो काफ़ी मतलब पेज पे ना थोड़ा रफली सा चला है, उतना मजा नहीं आया, स्मूथनेस नहीं मिली निब के अंदर ना जो मुझे चाहिए होती है। तो भाई देखते हैं इसकी इंक है वो, तो भाई भूल ही जाओ कि आप इनसे समझ इंक लेने वाले हो क्योंकि इसकी तो एक एक इंक समझ होने को जा रही है। उसके बाद देखते हैं बॉल पेन से सेलो के बाद पावर मिलने वाला है इस पैक के अंदर आपको, तो भाई ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी स्मूथनेस है क्योंकि मैंने इसके काफ़ी बॉल पेन से लिखा है, तो जो टॉप वाले क्वालिटी वाले हैं ना तो उसके अंदर मैं इसको इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चला है। बाकी इंक देखते हैं इसके अंदर समझ फ्री है, तो भाई नहीं है,
इंक तो यार इसकी सेलो की एक एक पेन की इंक समझ हो रही है, तो बाकी निब फाइन है और राइटिंग स्मूथ है। देखो ये गिफ्ट ना काफी अच्छा लगा मुझे बटरफ्लो का। इसके अंदर आपको ये बस आप अपने टीचर्स वगैरह को इसको दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर रेड पेन है। तो मैं इसको चला के देखता हूँ कि ब्लू तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं लेकिन ब्लू भी ना आपको इसके अंदर सिंपली में भाई देखो ये मेटलिक क्लिप में मिलने वाला है, तो आपके टीचर वगैरह को ना होल्ड करने में आसानी होगी जो प्लास्टिक का था उसके हिसाब से। बाकी इसके अंदर देखते हैं, देखो ये आपको बॉल पेन मिलने वाले हैं दोनों, चाहे जेल वो चाहे ब्लू है चाहे रेड है, तो इससे राइटिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एंड देखते हैं इसकी इंक वो समझ फ्री है, तो भाई हाँ यार रेड की इंक तो देखो बिल्कुल समझ फ्री मिली है, तो ब्लू की तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो भाई गिफ्ट वालों के बाद अब आ चुके हैं सेलो के रोलर एंड फाउंटेन पेन। देखो इनके साथ भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं तो भाई सबको लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यही वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। तो भाई अगर आपको इनमें से कोई भी पेन पसंद है ना तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। तो भाई देखो बटरफ्लो का ना क्लासिक रोलर है, तो क्लासिक की लुक तो आपको पता है लेकिन भाई ये रोलर के अंदर है। ये 60 रुपये का पड़ने वाला है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ किस तरीके का पेन दिखने वाला है। तो देखो बटरफ्लो का जो क्लासिक रोलर है ना भाई वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है पेन, और भाई ये देखो क्लिप भी इसकी काफ़ी है भी, और देखो आपको दिख जाएगा यहाँ पे रोलर से, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक कलर का हो क्योंकि इसके अंदर इंक फ्लोसा। तो मैं इस पर देखो इन्होंने लिख रखा है, तो भाई कलर तो ब्लू ही है इनका, लेकिन चलाएंगे तो देखिए निब की क्वालिटी ना कैसी मिलने वाली है आपको। उसके बाद देखो 3 गुना जेल के बराबर चलने वाला है सेलो का ट्राई स्टार 0.5 निब के साथ रोलर इंक टैंक। तो भाई जिन लोगों ने पहली बार देखा है ना वो जरूर बताना क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा है, मैंने सिर्फ इसका क्लासिक रोलर है वो देखा हुआ था। तो भाई 0.5 निब के साथ आपको ब्लैक बॉडी के अंदर ना कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, और मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो आपको इस तरीके के रोलर दिख जाएंगे। एंड निब के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो भाई आपको दिख जाएगी इसकी निब है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन इसकी निब आपको थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस में किसके साथ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड वहीं पे हमारे लेकिन इसका जो प्राइस आपको पड़ने वाला है ना दोस्तों वो पड़ने वाला है 40 रुपये 2016 में। 2024 में भाई मेरे हिसाब से कम 50-60 रुपये हो चुका होगा, चल जाएगा तो वही काबिल तारीफ है। उसके बाद देखो सेलो का एक्सी टोटल फाउंटेन पेन आपको मिलने वाला है, एंड ये आपको इम्पोर्टेड राउंड निब के अंदर मिलने वाला है। तो भाई राउंड निब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जो कि ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड राइटिंग के लिए यूज़ होती है, जो लोग तेज लिखना पसंद करते हैं। 65 रुपये का आपको पड़ने वाला है, और इसके अंदर आपको ना 2 कार्टेज मिल जाएंगी, कन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखो भाई सबसे पहले ना इस ट्राई स्टार को ही देखते हैं कि ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले मैं इससे ओ भाई मुझे बिलीव नहीं था कि ये चलेगा क्योंकि थोड़ा तो ये लग रहा था इसको धक्का देना पड़ेगा, लेकिन भाई ये स्टार्टिंग से ही चल गया। तो भाई आप बेझिझक सोच सकते हो अगर आपको कोई आपका पसंदीदा पेन मिलता है ना तो भाई आप जाके ले सकते हो, क्योंकि भाई रोलर बॉल पेन की इंक ना नहीं सूखती है। हमने काफ़ी सारी ब्रांड्स में जाके चेक किया है तो सबके साथ ना ये है कि हमें क्वालिटी अच्छी मिली है। तो आप समझ सकते हो 8 साल कितने दिन और कितने घंटे निकल गए लेकिन भाई पेन नहीं सूखा है। लेकिन ब्लैक कलर का हमें मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे तो हम देख ही सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। तो भाई उतनी मतलब मुझे ना इस पेन के अंदर ये कि जो फ्लो है ना वो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे रोलर बॉल पेन का रिव्यू किया है, आप चैनल पे जाके जरूर देखना। तो भाई इसकी इंक देखते हैं, वो आपको क्विक ड्राई मिलेगी। अहम भाई कितनी ज़्यादा समझ हो गई यार इसकी इंक के साथ, तो पता नहीं क्या खानदानी प्रॉब्लम है जो ये सभी की सभी समझ होने पर तुली हुई है। तो मैं इससे थोड़ी लॉन्ग राइटिंग देखता हूँ कि लॉन्ग राइटिंग में टिकेगा चलता रहेगा, और चलेगा तो कैसा चलता है। देखो भाई ट्राई स्टार की निब के साथ ना भाई राइटिंग एक्सपीरियंस तो यार उतना स्मूथ नहीं रहा है, क्योंकि पेज पे ना थोड़ा अर्ज के इसकी ना निब चल रही थी। बाकी राइटिंग एक्सपीरियंस तो आपको ब्रेक फ्री मिलने वाला है, और जो इंक है ना वो भी कहीं भी देखो इकट्ठा नहीं हुई है और ना पीछे की तरफ ना ब्लीड हुई है कहीं से भी, तो आप इस चीज़ का तो डर छोड़ दो। बाकी उतना अच्छा मुझे नहीं लगा जैसे मैंने और पेन से लिखा हुआ है रोलर में। भाई अब ले लिया है बटरफ्लो का क्लासिक रोलर, इसको देखते हैं कि इसकी इंक में कितना दम है और पेन में। निब जो इसकी निब है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा निडल मिलने वाली है, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे ना तो भाई मुड़ जाने वाली है। किसी भी आप अलग चीज़ पे लिखने की ट्राई करोगे तो मत ही करना क्योंकि पेन ख़राब हो जाएगा, 60 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। ओ भाई सच में यार उस पेन से लिखा ना तो उसके बाद जो फ्लो इससे मिला ना तो सच में यार पता चला फ़र्क है कि कितना सारा, बटरफ्लो क्लासिक। और देखो इसका जो कलर है ना वो भी डिफरेंट है, जैसे रोलर बॉल पेन का ना डार्क सा ब्लू कलर होता है लेकिन इसका कलर ना ब्लू में थोड़ा सा अलग सा है, तो वो चीज़ भी मुझे इसके अंदर काफ़ी यूनिक लगी है। और देखते हैं इसकी इंक वो समझ फ्री मिलेगी, ये तो यार समझ फ्री दे दे तो शायद मैं खुश हो जाऊँ, तो भाई नहीं देने वाला। देखो इसकी इंक भी समझ हो गई है, तो ये उम्मीद तो छोड़ दो सेलो वालों से कि आप इनके अंदर समझ फ्री इंक लोगे, हाथ लगने से बचाना पड़ेगा अगर भाई सेलो के पेन यूज़ करने हैं। थोड़ा लॉन्ग राइटिंग में इससे मैं देखूँ कि कैसा लगता है। देखो क्लासिक रोलर के साथ ना भाई राइटिंग एक्सपीरियंस तो यार मजेदार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप ले सकते हो इस पेन को। और देखो इसकी इंक भी ना कहीं भी आपको ब्लीड देखने को नहीं मिलेगी, ना इसकी इंक की कहीं भी डॉट्स इकट्ठा हुई है जो चीज़ें होती हैं, और ना देखो इसके ऊपर कोई भी इंक का सरफेस रुका है। तो यार ये चीज़ मुझे इस पेन के अंदर काफ़ी अच्छी लगी है, तो मुझे तो पसंद आया है। 60 रुपये के अंदर ना ठीक है यार एक बटरफ्लो क्लासिक रोलर। देखो फाउंटेन पेन में मैं बता दूँ आपको, जो देखो इसका कार्टेज है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा जम्बो साइज़ का मिलने वाला है, जैसे और ब्रांड्स के अंदर छोटा साइज़ का कन्वर्टर मिलता है। एंड देखो इसकी जो निब है वो भी आपको राउंड मिलने वाली है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड से राइटिंग कर पाओगे, आसानी से थकने वाले नहीं हो। एंड काफ़ी ज़्यादा मोटे साइज़ का पेन मिलने वाला है, और उससे भी ज़्यादा मोटा मिलने वाला है इसका रबर, और रबर का जो सरफेस है ना वो भी भाई रफली है, तो भाई हाथ तो फिसलने का डर भूल ही जाओ। देखो एक्सी टोटल से देखते हैं कैसी राइटिंग एक्सपीरियंस रहती है। निब तो देखो कितनी ज़्यादा शार्प है, तो भाई मैं इससे लिख देता हूँ सेलो एक्सीड। तो भाई ग्रिपिंग तो इससे ना काफ़ी अच्छी बन रही है, क्योंकि रबर काफ़ी अच्छी है और पकड़ने में ना काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। तो उसके बाद देखते हैं बाकी ना, मुझे लग नहीं रहा कि इससे स्पीड राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि ना भाई काफ़ी ज़्यादा मोटा होने की वजह से ना उतना हाथ का स्पीड फ्लो नहीं बनने वाला है। तो इंक तो भाई देखो जब इन्होंने बॉल और जेल के अंदर नहीं दी, तो भाई इसके अंदर तो आप भूल ही जाओ, ठीक है भूल गए ना, अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं थोड़ी लॉन्ग राइटिंग कैसी रहती है, कि हमें ब्लीड इंक देखती है। देखो इसने थोड़ी सी नाप कटा दी भाई, ये चलता चलता गया रुक, पर थोड़ा सा एक धक्का मारने के बाद ये गया चल, तो चलो कोई बात नहीं, अब चल गया तो अब देखते हैं कि कैसा चलता है। देखो भाई मुझे लगता है कोई ये डिफेक्ट पीस रिसीव हो गया है मुझे, तो भाई ये बीच बीच में ना चल चल के रुक जा रहा है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। मैंने कई बार इसकी कार्टेज को भी रिमूव करके ना चेक कर लिया, बाकी देखते हैं कि इतने से अंदाजा तो लग ही जाएगा कि राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है। देखो इंक तो आपको ना ब्लीड फ्री मिलने वाली है, कोई भी इसके अंदर कैसी भी ब्लीड नहीं है। और देखो ये पेपर भी इतना कोई बड़ा GSM का नहीं है, फिर भी इसके अंदर आपको पेज पे इंक उधर नहीं गई है। तो भाई देखो हमारा सेलो बॉल पेंस का ये थर्ड कलेक्शन है उन पेंस का जो काफ़ी टाइम पुराने पेंस है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से ना कौन सा पेन यूज़ किया हुआ है और कौन सा पेन आज भी आता है। तो भाई देखो सेलो का पॉइंट टेक प्रो है, ये एक जेल पेन है और ये 2017 में ना 20 रुपये का आता था। तो मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस तरीके की लुक है भाई, हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है ये फ्रेश पेंस, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा तो मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों के वहाँ पे कंटिन्यू सेल होते हैं तो भाई ज़रूर बताना। उसके बाद देखो ये आपको कुछ इस तरीके के लुक में आता था भाई, 20 रुपये के हिसाब से ना भाई पेन तो फील दे रहा है 40-50 रुपये वाले पेन की। देखो कितना ज़्यादा प्यारा है दिखने में, कितना जंबो से साइज़ का है, लेकिन थोड़ा लेंथ ही कम है थिक सा, लेकिन उसके बाद भी ओ यार थोड़ी देखो रिफ़िल की वजह से मुझे ना थोड़ा सा इन पर ना भरोसा टूटता है। देखो कितनी छोटी सी रिफ़िल मिलती है और उसके अंदर फिर आधा सा इंक फिल हो रखा है, बाकी पेन यार दिखने में प्यारा है 20 रुपये के हिसाब से ना। एंड देखो सेलो का पॉइंट टैग गोल्ड XL, तो भाई ये भी एक गोल्ड क्लिप के अंदर आपको पेन मिलने वाला है, 2017 का पेन है, 30 रुपये का आपको पड़ता था उस टाइम पे। एंड देखो उसके बाद भाई ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। जो क्लिप है वो आपकी प्लास्टिक की गोल्ड कलर की मिलने वाली है, देखो निब भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है, लेकिन भाई इसका ग्रिप सेक्शन ना जो ग्रूव्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक दे रखे हैं, अगर यहाँ पे लिखना है ना तो भाई थोड़ा ऊपर तक दे देते, बाकी मैं इसकी रिफ़िल तो भाई ज़रूर देखूंगा। तो देखो भाई इसकी रिफ़िल तो यार देखो बीच में स्पेस बन चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना पेन है, लेकिन आप समझ सकते हो इंक इन लोगों ने कितनी कम दी थी। तो यार ये चीज़ पे तो सेलो वालों ने ना नाक कटा रखी है बिल्कुल। एंड देखो जिन लोगों ने पहली बार देखा है भाई, बटरफ्लो में लाइट भी आता है जो 1.5 गुना लॉन्ग राइटिंग देने वाला है, बाकी मैंने भी खुद ने पहली बार ही देखा है, तो भाई स्मूथ हेस्ट देने वाला है इस पे। इन्होंने इनकी सुई का डंडा उधर कर रखा है, 2018 में 3 कलर में अवेलेबल है, 20 रुपये का आता है। तो भाई अब कितने का आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को शेयर करना है। उसके बाद देखो भाई पेन तो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन किया हुआ है, बटरफ्लो के ही जैसा है वैसे तो। और देखो जो इसकी ग्रिप है ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक मिलने वाली है, एंड निब भी काफ़ी ज़्यादा छोटे से साइज़ की है यार, दिखने में तो प्यारा लग रहा है। एंड देखो रिफ़िल भी इसकी काफ़ी जम्बो है जो ऊपर तक आपको इंक देने वाली है, तो यार 20 रुपये के हिसाब से तो ठीक ही पेन है। उसके बाद देखो टेक्नो टिप है क्लिक के अंदर, तो क्लिक के अंदर तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको एक रिट्रैक्टेबल पेन मिलने वाला है, लेकिन इस पे देखो इन्होंने लिख तो दिया है 5 गुना लॉन्गर, तो लगता है क्योंकि 5 गुना लॉन्गर चलता होगा, 2017 की पैकिंग है और कुछ इस तरीके का पेन आता था ये टेक्नो टिप भाई, काफ़ी बेसिक ग्रिप है इसकी रबरली, और यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है बॉडी। और देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको ना इसके अंदर रिफिल मिलने वाली है, और ये बॉल पेन है लेकिन आपको इसके अंदर जेल पेन की सी इंक दे रखी है, और देखो कुछ इस तरीके भाई ये तो इसका काम ही नहीं कर रहा, तो भाई कर दिया काम, ये थोड़ा सा भाई ख़राब सा हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लिक नहीं किया इसको। उसके बाद देखो सेलो का हनी बनी जेल है, और ये भी काफ़ी पुरानी पैकिंग है भाई, 8 साल पुरानी है, 10 रुपये का पेन था उस टाइम पे, तो आप समझ सकते हो जो 10 के थे ना भाई आज वो डेट में 20 रुपये के हैं,
तो ये आप जरूर बताना आप लोगों ने अगर इसको देखा हुआ है तो। सेलो का हनी बनी भी यार दिखने में काफी अच्छा पेन है, ये थोड़ा बटरफ्लो की सेम सी लुक दे रहा है, बस कलर को चेंज किया हुआ है, इतना तो कुछ खास नहीं बदला। उसके बाद देखो सेलो का जेल टैग है, ये भी थोड़ा बटरफ्लो का दिख रहा है लिखने में, तो भाई 20 रुपए का आता था उस टाइम पे। चलो थोड़ा ओपन करके मैं देखूँ तो कैसा दिखने वाला है। तो भाई ये कुछ आपको हैवी सा पेन नजर आ रहा है यार, काफी हैवी मेटलिक क्लिप है, रबराइज्ड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, इसका सरफेस भी रफ लिया आपको देखो दिख जाएगा, चिकना नहीं है, और देखो निब कितनी ज़्यादा मोटी है। एंड ओपन करके मैं आपको दिखाऊं इसकी जो वो भाई रिफिल भी कितनी ज़्यादा जंबो साइज़ की यार, पकड़ने में से ही पता चल रहा है, लेकिन साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा है, बस उस चीज़ की दिक्कत मुझे इस ब्रांड के अंदर लगी है, और थोड़ी इंक समझ नहीं दे रहे, तो इन चीज़ों पर तो यार काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो ये मैक्स ट्रीम है और 0.6 mm के साथ, और भाई राइटिंग इसमें मिलने वाली है 12,000, जो फ्लेयर का राइट्रोमीटर होता है उस पर भी 15,000 मेंशन करके रखते हैं। ये 20 रुपये का पड़ता था 2019 में, आज कितने का पड़ता है और पड़ता है कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई पेन दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा यार, पता नहीं ये पेन मिल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि पेन तो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आए थे जो इन लोगों ने बंद कर दिए। देखो इसका जो ग्रिप सेक्शन है ना वो बॉडी कट के अंदर मिलेगा, रबराइज्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप इजीली अपने हाथ को रोक सकते हो। एंड देखो जो इसकी निब है वो भी आपको पतली सी मिलने वाली है, तो भाई इसकी भी ओपन करनी पड़ेगी रिफिल, तो भाई इसकी रिफिल ठीक है, पूरी प्रॉपर ऊपर तक भरी हुई है और प्रॉपर साइज़ में मिलने वाली है, तो इससे तो मैं इंप्रेस हुआ हूँ। तो भाई देखो उसके बाद हमें मिलने वाला है फ्री फ्लो, तो देखते हैं कितना फ्री चलने वाला है, लेकिन भाई 20 रुपये का है। एंड देखते हैं इसके बाद इसको ओपन करके कि कैसा है दिखने में, तो यार पेन तो दिखने में काफ़ी अच्छा है, ये डार्क ग्रे कलर का सा आपको मेटलिक क्लिप के अंदर पूरा मतलब एक ही कलर में है, अच्छा लग रहा है दिखने में। और आपको ना ये भी देखो बॉडी भी काफ़ी अच्छी है और यूनिक क्रिएट की हुई है, यहाँ से आपको सरफेस भी इसका थोड़ा रफली मिलेगा, जिससे लिखने में तो यार कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होने वाला है। उसके बाद देखो ये सेलो का मैक्स राइटर है, मुझे ये लग रहा है ये पेन तो शायद आज भी आता होगा, क्योंकि ये पेन तो मैंने देखा है लोगों को इससे लिखते हुए, तो ये कुछ इस तरीके का आपको बॉडी डिज़ाइन के अंदर मिलने वाला है। 10 रुपये का आता था, लेकिन मेरे पास पुरानी पैकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो यार ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो देखो कुछ इस तरीके का पेन दिखता है राउंड शेप के अंदर, और ये इसकी क्लिप बाहर आ गई, पता ही नहीं सेलो वाला क्यों मेरे हाथ से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। देखो जो इसकी ग्रिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी सी आ रही है, ऐसे लग रहा है कि इससे जो ग्रिप है ना वो काफ़ी अच्छी नहीं बनने वाली, लेकिन भाई देखो निब कितनी ज़्यादा छोटी है, तो जिन लोगों को छोटी निब से लिखना पसंद है ना तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और राउंड शेप के अंदर इसकी बॉडी मिलने वाली है ट्रांसपेरेंट लुक में। देखो भाई सेलो के बटरफ्लो के अंदर ना ये दो पेन और यूनिक है, देखो एक तो बटरफ्लो का क्लिक भी आता था और अभी आता है या नहीं वो आपको बताना है। 2016 में का पेन है मेरे पास, तो 20 रुपये का आता था उस टाइम पे, तो देखते हैं किस तरीके की लुक है इसकी। तो भाई देखो आपको बटरफ्लो क्लिक ना कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, पूरा का पूरा ऊपर तक आपको रबराइज देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे रबर के अंदर आपको कट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी ग्रिप बना पाओगे। एंड देखो इसकी क्लिप की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मुड़ने तोड़ने वाली नहीं है, और देखो काफ़ी अच्छा इसका मैकेनिज्म है। एंड चलेगा कि नहीं वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले देखो कि जो इसका निब साइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा मिलने वाला है, तो ये कि आपको स्पीड राइटिंग तो नहीं मिलने वाली है इसके साथ। देखो सेलो के अंदर 4-in-1 मैंने पेन पहली बार देखा है, और ये 2017 की पैकिंग है, उस टाइम पे भाई 40 रुपये का आता था, तो प्राइस उस टाइम के हिसाब से महंगा है, क्योंकि होजर फ्लेयर उस टाइम पे 20 रुपये में दे रहे थे और आज की डेट में वो 30 रुपये का दे रहे हैं। तो भाई इस तरीके का स्मूथ हेस्ट इसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, एंड देखते हैं कि किस तरीके का दिखता है। तो भाई ये पेन आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, सेलो की ब्रांडिंग दिख जाएगी, और देखो ग्रीन कलर तो इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट सा लग रहा है, और यहाँ पे जो इसकी रबर है यहाँ पे आपको लाइंस दिख जाएंगे जिससे आप अपनी ग्रिप बना सकते हो। तो भाई जो इसके वो है ना वो तो बहुत ज़्यादा आसानी से मतलब नीचे आ गई, स्प्रिंग क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी यूज़ कर रहे हैं। देखो इस 4-in-1 को देखते हैं चला के चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भाई ब्लू कलर तो चल गया, लेकिन भाई इसके निब के अंदर ना स्मूथनेस तो नहीं बची है, होती नहीं है वो पता नहीं, लेकिन अभी तो है नहीं। उसके बाद देखते हैं ब्लैक कलर को चला के सेलो बॉल, तो भाई ब्लैक वाला तो नहीं चला है। उसके बाद देखते हैं रेड कलर को चला के, तो इस पर लिख देते हैं सरफेस, तो भाई रेड तो बिल्कुल ऐसे चला है जैसे फ्रेश पेन हो, बिल्कुल भी कोई भी ब्रेक्स इसने नहीं लिए। उसके बाद देखते हैं ग्रीन कलर को चला के, तो इससे लिख देता हूँ ग्रीन, तो भाई ग्रीन चला है, लेकिन ग्रीन आपको मैं बताऊँ आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा ना कम चला है, लेकिन भाई इसका कलर ही ऐसा है, क्योंकि ये डार्क ग्रीन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन है, तो फिर भी यार ये है कि एक्सपीरियंस तो ठीक रहा भाई, प्राइस अगर आप 20 लोग देते तो आपका चल जाता। एंड देखो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसी रिफिल्स मिलने वाली हैं, तो भाई रिफिल्स ऐसी मिलने वाली हैं, और स्प्रिंग भी ना इनकी है जो ऊपर ही लगा रखी है, तो भाई इनको मैं खींचूंगा तो परमानेंट बाहर आ जाएंगे और मेरे पानी में पैसे डूब जाएंगे। बटरफ्लो क्लिप को और देखते हैं चला के ये कैसा चलने वाला है। ओ भाई सच में लोग सोचते हैं कि पुराने पेन सूख जाते हैं, भाई इंक अच्छी हो तो कुछ नहीं सूखता है, ये देखो 2016 8 साल हो गए, पेन ऐसे चल रहा है जैसे कि अभी बनाया हो कंपनी ने। तो जेल पेन्स को सूखने की ज़्यादा दिक्कत होती है, बॉल और रोल बॉल पेन तो यार उतने नहीं सूखते हैं, तो मैं इससे लिख देता हूँ क्लिक, तो भाई इसमें देख लें उस टाइम पे इंक थी वो समझ फ्री थी इनकी,
तो भाई थी, अभी यार इनके साथ कोई दिक्कत है क्योंकि इसकी इंक तो यार बिल्कुल समझ नहीं हुई है। बाकी आपको कैसे लगे ये सेलो को बताना यार जरूर ना क्लिक, मुझे तो पसंद आया बटरफ्लो क्लिक। देखो अभी तो इतना सारा कलेक्शन बचा हुआ है भाई सेलो पेंस का, तो हमारे पास देखो सेलो का पिन पॉइंट है एंड ये आपको पढ़ने वाला है भाई। इस पे तो लिखा नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, पेन तो अंदर से देख लेंगे कितने का पटने वाला है। तो हमारे पास ब्लैक कलर है और 10 रुपये का आपको पिन पॉइंट पटने वाला है। उसके बाद देखो सेलो का जिपर है एंड जिपर भी आपको सेम 10 रुपये में पटने वाला है, 100 रुपये का डब्बा। एंड जिपर का देखता हूँ मैं किस तरीके से जिप खुलने वाली है, तो ये लो पहले तो इसका पैकेट खोल लेता हूँ। तो भाई देखो जिपर आपको कुछ इस तरीके के मिलने वाला है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी लुक लगी है मेटलिक क्लिप के अंदर। एंड देखो इसकी निप भी काफ़ी ज़्यादा छोटी सी है, रबराइज्ड ग्रिप मिलने वाली है एंड थोड़ी सी रफली ग्रिप है, तो इससे आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनने वाली है। उसके बाद देखो हमारे पास भाई सेलो का एरो जेल, आपको कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर आप लेके आ सकते हो 0.6 mm निप के साथ, 10 रुपये का आपको पेन पड़ने वाला है और एक ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ मिलने वाला है और जिसकी ग्रिप आपको मिलने वाली है। एंड देखो जो इसकी ग्रिप मिलने वाली है ना वो प्लास्टिक की मिलने वाली है और इसके अंदर कट्स मिल जाएंगे और देखो काफी पतली सी आपको लंबी वाली नेप मिलने वाली है, तो इसके साथ देख लेना आपको अगर पसंद हो तो आप ये लेके आ सकते हो। उसके बाद चलते हैं, हमें मिलने वाला है सेलो का एक जॉयस्टिक, जॉयस्टिक 5 पैकिंग के पेन में आता है और 6 रुपये का आज की डेट में आपको पड़ने वाला है और देखो ट्रांसपेरेंट लुक के अंदर मिलने वाला है, कोई रबराइज्ड ग्रिप नहीं है। उसके बाद देखो सेलो का वेलवेट ओ है भाई, ये तो मुझे खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको रबराइज्ड ग्रिप मिलने वाली है और पेन तो देखो काफी ज्यादा अच्छी लुक में मिलने वाला है, जेब वगैरह में कैरी कर सकते हो क्योंकि क्लिप बहुत शानदार है। उसके बाद देखो जो इसकी रबर है ना उस पर जो ग्रिप का कट बनाए हैं वो काफी बेस्ट बनाए हैं, जिससे आपको राइटिंग करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लॉन्ग राइटिंग में हाथ दुखने वाला नहीं है। उसके बाद देखो हमारा है सेलो का माई जेल, तो भाई ये भी ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ट्रांसपेरेंट लुक के साथ, कैप यार बहुत ज़्यादा छोटा सा है तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ा तो बढ़ाते थे आसानी होती है। उसके बाद देखो सेलो का फ्री फ्लो है भाई 0.6 mm के साथ, रोलर बॉल पेन है 25 रुपये का। उसके बाद देखो हमारे पास पॉइंट टेक का जेल पेन है 15 रुपये का पड़ने वाला है, हमने जो पहले आपको दिखाया था वो गोल्ड था तो भाई सेम है, बस इसमें सोना नहीं लगा, उसमें सोना लगा हुआ है, सोने के 10 रुपये फालतू हैं तो 25 रुपये का पड़ जाता है। उसके बाद देखो सेलो की तरफ से आता है एक स्मार्टी क्लिक के अंदर, अगर आपको लेना है रेट्रेचेबल, और ये 7 रुपये का पेन आपको पड़ने वाला है। तो देखो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बॉडी डिज़ाइन ब्लैक है लेकिन जो क्लिप है ना क्लिप पे जो कलर कर रखा है वो काफ़ी बेस्ट है और देखो कितना अच्छे से स्मार्टी की ब्रांडिंग है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा हार्ड लीस आया, तो भाई 7 रुपये में तो ऐसा ही मिलेगा उसके लिए, वरना 100 रुपये फूको अगर सॉफ्ट चाहिए। तो देखो जो इसकी बॉडी है ना वो भाई यहाँ पे कट्स मिल जाएंगे जिससे आपकी ग्रिप बनने वाली है, लेकिन पेन ना दिखने में तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी उसके बाद देखो सेलो की तरफ से आता है सुपर स्टार जेल, और ये भाई सच में सुपर है जेल ना चलने के अंदर, राइटिंग के अंदर, मैंने इससे खुद का एक्सपीरियंस है लिखने का, तो काफ़ी बेस्ट पेन रहता है ये। उसके बाद देखो इसका पेन के जो कैप है वो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन भाई देखो निब काफ़ी ज़्यादा लेंथी और पतली सी है जैसे रोलर बॉल पेन की हो, तो जो कि राइटिंग में आपको काफ़ी अच्छा स्मूथ सरफेस देती है। उसके बाद देखो हमारे पास आ जाता है सेलो का पॉकेट, तो भाई पॉकेट में तो ऐसा क्या है, बस पॉकेट नाम रख दिया है क्योंकि हमने रोरिटो उसका मॉन्टेक्स का पॉकेट साइज़ किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज़ का था, उसका नाम भी पॉकेट था। देखो सेलो का आपको इस तरीके की रेट्रेक्टेबल में मिलने वाला है, थोड़ी रेट्रेक्टेबल हार्ड है जिससे और पेंस की सॉफ्ट होती है, लेकिन ग्रिप काफ़ी ऊपर तक मिलने वाली है। एंड देखो इसके अंदर ग्रूव्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो आपको इजी रखते हैं हाथ को रोकने में। देखो भाई सेलो का एक आता है ओरिस पेस्टल, ये आपको 5 रुपये का पड़ने वाला है आज के डेट में, और ये थोड़ा सा भाई उस तरीके का पेन है जैसे DF पेन आते हैं डायरेक्ट फिल, तो हम इसको देखते हैं, ये डायरेक्ट फिल पेन तो नहीं है, नहीं भाई इसके अंदर आपको रिफिल नज़र आ जाएगी, ये रही इसकी रिफिल, तो भाई ये आपको लाइट कलर्स के अंदर मिलने वाला है और जो कि लॉन्ग राइटिंग वगैरह के लिए एक बेस्ट पेन है और काफ़ी ज़्यादा स्लिम होने की वजह से ना आप आसानी से देर तक लिख सकते हो। उसके बाद देखो सेलो को माई फेयर आता है, अगर आपको कुछ इस तरीके का ग्रिप सेक्शन पसंद हो तो भाई आप माई फेयर के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें बॉडी कट्स मिल जाएंगे वो भी काफ़ी ऊपर तक, अगर आप यहाँ से भी लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बढ़िया ग्रिप बन जाएगी और काफ़ी पतली सी निब इसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद देखो सेलो का ओरिस बॉल पेन आता है, ये सेम ही लग रहा है यार मुझे इसके ना, जो इन्होंने ये वाला दिया था भाई ओरिस पेस्टल, अच्छा मेरे पास ही 2 बार आ गया, तो भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, माफ़ करना दोस्तों, 5 रुपये का सेम है। उसके बाद देखो सेलो का पेपर सॉफ्ट, भाई ये भी काफ़ी पॉपुलर पेन है, जिन लोगों ने यूज़ किया है वो यार इसकी क्वालिटी से ना ज़रूर रूबरू हुए होंगे। उसके बाद देखो ये इस तरीके के लुक में मिलने वाला है, जैसे रेनॉल्ड्स का होता है ना एक
पेन उसकी सेम सी लुक है इसकी, तो भाई मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ये यार सच में बहुत अच्छी लुक देता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट तो कुछ बचा नहीं है यार दोस्तों, आज के सेलो पेन को कलेक्शन को रिव्यू करने के बाद ना भाई हम ये है कि सेटिस्फाई तो हो चुके हैं इससे, लेकिन भाई हमें सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ है, एक तो जो इंक है वो बिल्कुल सर्विस फ्री नहीं दे रहा है कोई भी पेन, दूसरी बात कि भाई रिफिल ना बहुत पेन से अंदर बहुत ज्यादा छोटी छोटी साइज की, पैसा उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं लेकिन उस चीज में बचत कर रहे हैं, तो भाई वो चीज मुझे इन लोगों की बेकार लगी। बाकी ये कि काफी पेन तो भाई आपको काफी अच्छी राइटिंग देने वाले हैं, आप एग्जाम वगैरह उनसे आराम से लिख सकते हो, एंड राइटिंग भी आपको भाई काफी ज्यादा स्मूथ मिलने वाली है, फाइन राइटिंग चाहिए तो आप फाइन पेन्स भी ले सकते हो, एंड आपको काफी ज्यादा बोल्ड राइटिंग चाहिए तो वो पेन्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, एंड इसका रोलर बॉल पेन आपको पता है कि लगभग 8 साल पुराना पेन होने के बावजूद भी चल गया, तो आपको कोई फेवरेट पेन आपको मिलता है तो भाई वो उसे थोड़ा धक्का मारिए वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको सेलो का कौन सा पेन पसंद है वो कमेंट बॉक्स में बता दे, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से ब्रांड के पेन्स पे चाहिए या प्रोडक्ट पे चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, एंड अगर आपको और भी ब्रांड्स का रिव्यू देखना है ना तो भाई हम ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स के रिव्यू कर चुके हैं, फ्लेयर, एल्कोस, विन, रोरिटो, गोल्डेक्स और भी मैक्सिमम ब्रांड्स के हम रिव्यू कर चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख लीजिए आपको उनकी वीडियो दिख जाएंगी। एंड भाई स्टेशनरी वर्ल्ड पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई इसी तरीके की ना स्टेशनरी के अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंटिन्यू मिलते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच।